देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हां जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, माशाल्लाह। आज तो क्रिकेटर लग रहे हैं सर। यार एक मिनट, कौन सा क्रिकेटर है जो सलवार कमीज काली पहन रहा है? अभी टीम नहीं गई, उनको कह रहे थे हसन अली की जगह मुझे ले जाओ, अगर मैं कोई विकेट ना ले सका तो कम अज कम माधुरी से सेल्फी तो ले। अरीज को भी बड़ी क्रिकेट से लगाओ है। अच्छा, हाँ क्रिकेट देखती है आप? इंडिया पाकिस्तान का बस होता। वो कौन सा प्लेयर आपको पसंद है पाकिस्तान का? वैसे मुझे बूम बूम अफरीदी बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है बाबर आजम, शाहीन अफरीदी भी अच्छा है। तो ये वजीर आजम, मुगल आजम, बाबर आजम, ये तीनों भाई है? ये मैं पूछूंगी, अगर आपको पहले पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। इसी बात से हमें बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पंजाब के अंदर केयर टेकर मिनिस्टर हैं फॉर माइंस, लाइफ स्टॉक एंड मिनरल्स, जनाब इब्राहिम हसन मुराद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है, मोहतरमा एली जैद। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो। दोनों ही माशाल्लाह हीरो हीरो ही नहीं लग रहे हैं सर। ओए होए होए, ऐसे लग रहा है शो नहीं शूट हो रहा, कोई फिल्म शूट हो रही है। एक शेर में लाया हूँ इब्राहिम भाई आपके लिए। इब्राहिम हसन भाई के टेकर मिनिस्टर हैं पांच दरियाओं के, और इनके पहलू में जलवागर हैं एली जैद एक्ट्रेस। लगते हैं दो ही नवे नकोर, गौर से देखो तो लगेंगे होर दे होर। वो मेरी नजरों में समाए आए, धीरे धीरे मेरे दिल में आए आए, जो लड़की मुझे सताए उसे बिजली का बिल 2200 यूनिट आए। एली, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके ड्रामों की मैं लिस्ट पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त किस्म की है ये। इसमें मोहब्बत, दाग की सूरत, रंग महल, दिखावा, निशा, इंतकाम। तो इंतकाम से याद है केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या हाल है? बिल्कुल जी, आप जिस तरह आवाम है उस तरह हम भी खुशहाल हैं और मुल्क तरक्की कर रहा है। ये आवाम खुशहाल है? आपने क्या बात कर दी, आवाम कहाँ से खुशहाल है? मुल्क में अमन है और खुशहाली जो है वो आ रही है आपके सामने है, और दिन रात हम तरक्की कर रहे हैं। दिन रात हम तरक्की, ऐसा आपने सवाल किया वैसे ही जवाब दे। एक बात बताएं, if I'm not wrong, आप अभी चाइना से आए हैं? जी जी, you had gone to China? बिल्कुल जी। तो वो कैसा रहा था मुझे बताएं? जी बहुत अच्छा था, हमारा तकरीबन 4-5 दिन ट्रिप था ऑफिशियल, और उधर एक सूबा है निंगशिया, उनके साथ हमारा एक MOU है, तो हमने देखा कि हम उनसे किस तरह सीख सकते हैं और मजीद कैसे तरक्की कर सकते हैं। Was it your first time to China? नहीं, it was my second time जी। अच्छा, आप पहले देख चुके हुए थे China? जी जी, इतना China जानते हो, तो डड्डू सप्लाई कर दे। दूसरी बात ये कि उन्होंने इसमें इंटरेस्ट शो किया कि हम यहाँ से डड्डू एक्सपोर्ट करके China भेजें। और मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें मुर्गी के पंजे चाहिए, तो आप देखेंगे। एक्चुअली चाइना आप गए और आप वहाँ पे 3-4 दिन रहे, तो वहाँ पे क्या आपने चाइनीज को देख कर ये कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ आप लोगों ने बहुत पैसे लगाए हैं लेकिन हमने वापस नहीं देने? नहीं, देखें जब भी चाइना जाते हैं तो एक ऐसा आपको एहसास होता है कि एक मुल्क है उसने इतनी तरक्की की है इन द सेम टाइम कि जिसमें पाकिस्तान उतनी तरक्की नहीं कर पाया, तो हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि उनकी नो हाउ हम लें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, ताकि हम भी जो है वो एक आगे तक। वैसे लास्ट टाइम आई मेट यू तो आप उस वक्त आपका जो डिजाइन था कुछ बालों का वो डिफरेंट था और ये दाढ़ी का भी कुछ डिफरेंट था, ये क्या चाइना से तो नहीं करवा के कटिंग? नहीं, यहाँ से ही है, हम तो पाकिस्तान से हर चीज लेते हैं। एक्चुअली मैं ये बड़ा जबरदस्त ये लुक चेंज किया आपने, थैंक यू, ये इट्स रियली सूट्स यू। क्या ख्याल है, आप पहले ये बताएं, कभी सोचा था ऐसा मिनिस्टर देखेंगी आप? मार्केट में जो अवेलेबल था पहले ऑप्शंस वो आपने देखी सर, नवी एयरलाइन पायलट लग रहे हैं यार। अब गुड लुकिंग आदमी आ गया है ना तो उससे इस तरह नहीं चलते। आपने इससे पहले कोई पॉलिटिशियन से मुलाकात की? लास्ट टाइम आपके शो पे की, ये हम ही कराते हैं सिर्फ, ठीक है, तो यानी कि वो तो ऐसे ना थे, बताइए थे ऐसे?
उनकी अपनी पर्सनालिटी थी इनकी, मगर आप तो खुद ड्रामा इंडस्ट्री से हैं तो को लगता नहीं कोई ड्रामे का एक्टर हीरो बैठा हुआ है? सर ऐसे ही लगा मुझे, मतलब मैं खुद डाउट में आ गई थी। ओए होए कि ये देखिए ये केयरटेकर, ये मिनिस्टर हैं आपने पूछा, और ये एक भी नहीं तीन तीन मिनिस्ट्री हैं इनके पास। सर कौन कौन सी हैं आजकल? सर आई हैव माइंस, ट्रांसपोर्ट एंड लाइफ स्टॉक। जो जखीरे निकल सकते हैं पंजाब के अंदर वो भी भाई के अंडर ही है। सर वैसे कोई है हमारे पास कोई चीजें नमक के अलावा जो आजकल हम इसको लुक फॉरवर्ड कर सकें? जी मैं सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जल्द ही हम गोल्ड के 4 ब्लॉक्स ऑक्शन करने लगे। पंजाब में गोल्ड जो है प्लेसर गोल्ड वो पाया गया अटक के अंदर, तो जल्द हम उसको ऑक्शन करने लगे हैं, तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो उसको कोई भी क्या मतलब क्या वो कितने का कोई होगी बिड? 4 ब्लॉक्स हैं तकरीबन 1 अरब के। अच्छा मजे की बात, चेक करें 1 अरब के बिडिंग और कह रहे हैं आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मतलब अगर हमारे पास 1 अरब होते तो हम सारे यहाँ बैठे होते। ये तो रिजर्व प्राइस है, अब देखें आगे कहां तक जाएगा। तो 1 अरब ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 70,000 ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵੇਚੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਮੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਬਿਡਿੰਗ ਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੋ? ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸੇ, ਮਗਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਹੀਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇਹ ਆਪਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਆਪਣਾ, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा हमें? स्टूडेंट्स को देते हैं हम डिस्काउंट, स्टूडेंट कार्ड अगर ये दिखाएंगी तो इनको। आप समझे कि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी चाहिए, वो एक्टिंग की स्टूडेंट है। मैं स्टूडेंट वैसे भी हूँ। आप वैसे भी स्टूडेंट हैं? ले ये तो बिल्कुल। फिर ये इनका ट्रेवल फ्री है ऑरेंज लाइन पे भी और मेट्रो बस पे भी। नहीं ऑरेंज लाइन ट्रेवल तो वो यहीं पे हमें फिराते रहेंगे ना, लाहौर के अंदर हमने अगर बाहर जाना हो पंजाब में देखें हम निकलना चाहते हैं। सर मैंने भी अभी मैट्रिक के एग्जाम देने हैं तो मेरा बन जाएगा? वो आपने पिछले को 25 साल से देने उसका अभी इन पे ना डाले। आप अगर यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे किसी भी स्टेशन पे और स्टूडेंट कार्ड आपके पास होगा तो आपके लिए फ्री है। साथ ही साथ इब्राहिम आपके पास लाइव स्टॉक भी है जी, ये जरा लाइव स्टॉक को प्लीज क्लियर कर दीजिए। एली आपको पता है लाइव स्टॉक क्या होता है? बचपन में पढ़ा था ना, इट वाज रियली बोरिंग चैप्टर। इब्राहिम कैन यू मेक इट इंटरेस्टिंग? देखिए लाइव स्टॉक जो है ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर का 65% है और हमारा जो GDP है वो 15% जो है वो एग्रीकल्चर है, तो इसका मतलब 10% आपके GDP जो है वो लाइव स्टॉक के पास है, और इसमें 75% जो रूरल वीमेन एम्प्लॉयमेंट है वो भी लाइफ स्टॉक में है। तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास तकरीबन 15 अरब डॉलर की कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने की, मीट की, डेयरी की, पोल्ट्री की। तो इस पर आजकल हम फोकस कर रहे हैं कि किस तरह क्या मेजर्स लें कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्री बन सके। और आपके पास आई बिलीव इसके साथ पोर्टफोलियो डेयरी डेवलपमेंट का भी है जी, यानी कि मजों गाँवों के अंदर भी आप पाए जा सकते हैं। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। सर आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस को देख के, मैं अक्सर ये सोचती हूँ अगर आप सियासत में ना होते तो आप शोबिज में होते, आपका कोई इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट है जी, बट क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव सी है। ओए होए होए, इंटरेस्ट तो नहीं है लेकिन ये भी मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि आप जो है ना मॉडलिंग करते हैं या नहीं, मैंने कहा नहीं गवर्नमेंट में, क्योंकि आमिर मीर साहब कह रहे थे कि लोगों के रोल मॉडल होते हैं हमारे मॉडल हैं। वाह वाह, हमने मॉडल को रोल दिया हुआ है। हां, उसके इलेक्शन हुए तो फिर इन्हां दी जेरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी जी, फिर ताड़ियां दबावां ना नहीं हो रहे यार। मैंने नोट किया आपका सोशल मीडिया देखे, आप बहुत सोशली एक्टिव हैं, तो क्या आपने DMs का रिप्लाई भी खुद करते हैं? बहुत कम, लेकिन जब देखता हूँ तो कोई ऐसी चीज होती है तो बिल्कुल, कोई ऐसा अगर DM हो तो रिप्लाई करता हूँ। देख के करता हूँ। अच्छा आपने इनका सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया होगा? हाँ, मैंने रिसर्च किया था इनको प्रॉपर, देखा इनके सारे पोस्ट वगैरह, स्टोरीज चेक की, हाईलाइट्स चेक की मैंने। अच्छा जब वो, अब मैंने आपको कहा था ना कि होमवर्क करके आया करें, वो उसका मतलब ये नहीं था कि आप सोशल मीडिया पे यही देख रही हो कि तुसी ने क्या लगाते हैं। जिन्ना तुसी रिसर्च उन्होंने कर ले, मैं डर रहा तुसी किते रिश्ता ना भेज दियो। वैसे ऐसे फैंस मिलते रहते हैं आपको इब्राहिम? नहीं फैंस नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को जो है ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो जो कि कॉमन ना हो तो वो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट होता है, और ये कि आप कॉमन नहीं जानना चाहते हैं कि ये एक यंग एज में मिनिस्टर है या ऐसे, तो उसमें इब्राहिम भाई जैसे माशाल्लाह आपने ड्रेसिंग की, ताड़ा कदी डाइवो चलाउन नु दिल कीता यार, मतलब इसका क्या ताल्लुक है? वैसे कह लो कि तुम्हें उनकी ड्रेसिंग पसंद आ रही है, एक स्टाइलिश हाथ में आप ऐसे बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि आपको एक वन वे टिकट डेवो का दे दें हम। सर डाइवो दा देना, मच्छ जेल दा ना दे देना। आपको पता है कि मच्छ जेल है किधर? वो कितने भला
सोचें किधर है? सिंध? नहीं, बलूचिस्तान। जी ओ, ते सेंटर जेल थे, एना दे आंदी अंडर। इनके अंडर नहीं आते हैं, उसकी मिनिस्ट्री और है भाई। मिनिस्ट्री सर वाकिफ दे है ना? हाँ वाकिफ होंगे। हाँ सर, आपने जाने नहीं? नहीं जाने। मगर आपने देखा बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो, और आपने कहा कि आपका ख्याल वैसे कभी नहीं आया, आपको लोग कहते हैं, बट आपको कभी जहन में आया कि मे बी यू नो कभी ट्राई करें इंसान कोई? नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज़ पब्लिक सर्विस, कि ऐसा कोई काम करें जिससे मुल्क के अंदर कोई चेंज आए, जो नौजवान नस्ल है इसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, जो गरीब है इसकी कोई दुख और तकलीफ़ कम हो। तो ये मेरा मेन फोकस है। और आपके ख्याल से इनकी दुख और तकलीफ़ कम हो रही है, कोई चांसेस हैं? इंशाल्लाह। देखें कि ये पंजाब के अंदर मैं कह सकता हूँ कि पहले 40-45 लोगों की काबीना होती थी, और अब सिर्फ 8 गुजरा हैं, और वो जो काम कर रहे हैं और जिस पैशन से चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हम एक विज़िट पे थे और रात 2-2 बजे तक मीटिंग्स होती थी, और सुबह हम 6-7 बजे उठ जाते थे। तो जिस मेहनत से काम हो रहा है, जिस स्पीड से काम हो रहा है, तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं हेल्थ के अंदर, लॉ पुलिस के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर में। तो बाकी भी आप देखेंगे कि कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी आएगी आगे। ओके अली, ये मुझे बताएं, आपका भी ड्रामा एक चला मेरे दामाद। जी जी। इसमें आपका नंबर कौन सा वाला था? मैं 4 बहनों की छोटी बहन थी, सबसे छोटी वाली थी, और मैं स्टेप सिस्टर दिखाई थी इसमें। तो जब नूर खान की जो शादी हो रही होती है, नूर खान जब भाग जाती है, तो उस शगुफ्ता एजाज जो मेरी मदर प्ले कर रही थी, वो मुझे बिठा देती है और मेरी शादी उस लड़के से करवा देती है। जुल्म है, मैं इत्तेजाज करूंगा इस बारे में। मैं असेंबली से बिल पेश करूंगा। मैं नहीं है अगर कर लो, ड्रामा खत्म हो गया। अच्छा जी। मगर ये उसके अंदर हुआ था, और आई बिलीव कि आपको बड़ी अप्रिसिएशन मिली थी इसके अंदर। जी जी। वैसे एक्टिंग के अंदर ये ऑब्जर्वेशन का ही काम है या इमेजिनेशन, किस चीज को ज्यादा एग्जीक्यूट करती हैं आप? सर बचपन से ही मैं ऐसी हूँ कि जब कोई मुझसे बात करता है, अगर मैं किसी के बारे में बात करूंगी कि आपके बारे में, अगर मैं किसी से बात करूंगी तो मैं ये बात नहीं करूंगी उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपकी मिमिक करके बात कर दूंगी। हाँ, तो मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करती हूँ लोगों को। अच्छा, तो इनकी मिमिक्री करें? ये पंजाबी बोलते, वरना मैं बहुत अच्छी करती थी। आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी थी? अभी पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है? अभी मैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में है तो पढ़ रही हैं? जी जी पढ़ रही है। तो फैशन डिजाइनिंग और एक्टिंग, ये आपस में क्या ताल्लुक है? I really wanted to be an architect. अच्छा। तो आर्किटेक्चर क्योंकि यूनिवर्सिटी दूर थी, और फिर मैं बीमार हो गई, तो फिर आई जस्ट डिड माई फाउंडेशन ईयर एंड मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मुझे, क्योंकि मेरा साल वेस्ट ना हो जाए, जहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा था मैंने फैशन डिजाइनिंग में ले लिया। मुझे लगा इजी होगा, इट इज नॉट इजी। ओए होए। तो फैशन डिजाइनिंग आप करती हैं, तो फिर बताएं कि जरा भाई की ड्रेसिंग कैसी है? परफेक्ट है। इस पे कोई बेहतरी गुंजाइश है? डिपेंड करता है कि आप अंदर वेस्ट कोट पहन लें और आप शूज दूसरे कर लें। आपके ख्याल से इनके पास वेस्ट कोट होनी चाहिए थी? नहीं नहीं, सब लेकिन प्यारे लग रहे हैं। मतलब इब्राहिम और एक बंदे ना इस तरह की ड्रेसिंग करके दोस्तों कह रहे होंगे ने, यार मैं अच्छे कपड़े पहना फिर मैं घर दे ही लैन क्यों भेज दे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी सोचों में तुम, मेरी जिंदगी में तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, जटा ना मुंडा ताड़े नसीब से नहीं। वेलकम बैक जी अरीज। अली आप बकायदा एक ट्रैवलर हैं, तो इतनी महंगाई में आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं ट्रैवलिंग? और शौक भी आपको बहुत है, मैंने ये भी नोट किया। गले से पैसे जोड़ दें। नहीं तो कैसे? नहीं वो मैं पापा भाई से मांग लो, नहीं थे तो बहन से मांग लो। ट्रैवलिंग होनी चाहिए, किसी से मांग लो बस। एक महीने बाद मुझे जाना होता है बस, मुझे एक हफ्ते का, मैं काम करती हूँ तो बस काम करती हूँ। जैसे सुबह मेरी एक ड्रामे की शूट थी, 12 बजे के बाद दूसरे ड्रामे का शूट था, तो उसके बाद रात में मेरी फ्लाइट थी, यहाँ पे आना था, और फिर मुझे बुखार भी हो गया था, मैं यहाँ पे आई। तो काम कर रही हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, बट जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं मोबाइल भी यूज नहीं करती। अच्छा, अच्छा। इतनी अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, सफर भी आप करती हैं, हम भी आते जाते रहते हैं। वो मोहल्ले, पिछले मोहल्ले चले गए, आगे चले गए। तो आप तो पूरी दुनिया में घूमती होंगी माशाल्लाह। मैं साल के 6 ट्रिप्स करती हूँ इंटरनेशनल, ये मेरा 7वां डोमेस्टिक। साल के 6 ट्रिप्स माशाल्लाह इंटरनेशनल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितने, 2-2 महीने बाद या एक एक महीने? एक महीना इस तरह। एक महीना काम करती हैं और फिर आप कितने अरसे के लिए चली जाती हैं? एक हफ्ता। एक हफ्ता आप चली जाती, फिर वापस आती हैं, फिर आप काम करती हैं 7-8 हफ्ते काम करके फिर आप निकल जाती हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें आप अभी तक नहीं गई? अभी तो बहुत सारी रहती हैं, अभी गई कहाँ, अभी तो सिर्फ दुबई, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, केन, सिडनी। अभी मुझे सिडनी दिसंबर में जाना है क्योंकि वो न्यू ईयर है। अल्लाह करे मुझे ऑफ मिल जाए तो फिर मैं चली जाती। पिज्जा भेज दे। आपको ऐसे ट्रैवलिंग का शौक? जी थोड़ा बहुत कर लेते हैं जब कभी कुछ। मगर इतनी आई एम श्योर एवरेज नहीं होगी आपकी के 6 ट्रिप्स एक साल में। इतने लकी नहीं है, इतने लकी नहीं है वो। मगर ये आप अकेले ही चली जाती हैं, ये कोई फैमिली वगैरह काम नहीं ना, यू नो नेसेसिटीज आपकी क्या है, आपका घर है,
आई हैव घर, सबके पास घर होता है, आई हैव गाड़ी, छोटी सी गाड़ी है 18.7 उसका एवरेज आ जाता है, बस अच्छी चल जाती है, छोटी सी है। एवरेज भी याद है 18.7, आई लाइक स्पेसिफिकेशंस, बहुत जबरदस्त। और अगर किसी दिन 18.6 आ जाए तो फिर मैं उसको और अच्छा चलाती हूँ। अच्छा हाँ, और गड्ढों पे ना सही से, कराची में गड्ढे बहुत है भाई। नहीं ठीक है ठीक है, अब क्या करना है, घूमना है, शॉपिंग करनी, खत्म। और आप जितना सफर करते हैं, कभी ऐसा हो एयर होस्टेस ने आपको कहा कि बाजी मेरी तबीयत ठीक नहीं, दो चक्कर तुसी ला लो? कभी हो जाना, कोई सहेलियां बन जाती है ना, कोई पायलट कह रहे आओ जरा जहाज से चलाओ। और ये आप ट्रैवलिंग जो अकेले करती हैं, विद फ्रेंड्स करती हैं, फैमिली, किसके साथ? अगर जैसे मैं बहुत ऐसी जगह पे जा रही हूँ जो मुझे डर लग रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी बहन को बुला लूँ। दुबई में तो बहन है, अच्छा ठीक है, बड़ी बहन है, ऑस्ट्रेलिया में भाई है, ठीक है ठीक है। तो केन्स गई तो भाई के साथ चली गई, सिडनी गई तो भाई के साथ चली गई, मेलबर्न में भाई के ही साथ होती हूँ। ऑस्ट्रेलिया तो भाई ने कवर कर लिया, दुबई बहन ने कवर कर लिया। मैं अभी थाईलैंड गई थी ना, तो मैं अकेली थी, कोई वहाँ पे थे कजन वजन आपके? नहीं नहीं, जो फ्री होगा ना उसको बोलो प्लीज चलो, प्लीज जो फ्री हो आपके सर्कल अहबाब में हो उसको आप कहती है कि भैया पहुंच जाओ। और टर्की में तो मुझे कोई नहीं मिला था। हाय हाय हाय, अब आपको कोई ना मिले तो आपने मुझे दोस्त बना लिया। नहीं मगर बात यह है कि आपका जब भी कभी अफगानिस्तान का प्रोग्राम बनेगा तो आपने कैसर भाई को बताना है। तुसी भी मेरे ना तोरा बोरा जाना है। मगर फैन हूँ मैं सर के, देखे ना कि जाना है और अकेली डरती है, मैं चला जाऊंगा साथ में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी वैसे भी पसंदीदा फनकार हैं। अच्छा। और इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, जो भी डायलॉग इनको दिया जाए बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं। अच्छा, मैं इनको एक डायलॉग दूंगा, ये बोलेंगी और पता चले कि आप एक्टिंग कर रही हैं, और पता ये क्योंकि आप कॉपी करती ना ज्यादा, आपने मुझे कहना कैसर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरी यादों में तुम, मेरी ख्वाबों में तुम, मेरी सोच में तुम, मैं सारी दुनिया तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकती। एक्शन। कैसर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी सोचों में तुम, मेरी जिंदगी में तुम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो, जटा का मुंडा ताड़े नसीब च नहीं। मशीन जी तोड़ दी, मशीनें तोड़ दी। कैसे? आप वो वजन आपको पता है इतना है लोगों को, वो तो नहीं ना होती, हमारे यहाँ तो जिम ऐसा है ही नहीं इतना मजबूत और पावरफुल। कहते बड़ा मुश्किल है, मैं लैन गया वो जो कपड़े पा के जिम नहीं करी था। जिम वेयर, जिम वेयर लैन गया, कोई भी नहीं पूरा आया, बल्कि ट्राई दे विच कि सूट पाड़ आया उन्होंने। जुती नहीं, जुती जी जी, डाई नवी बनवा के तो फिर बनवाई है, माशाल्लाह एडा पैर है सर। उसकी वजह से थोड़ा ना मुझे परेशान किया हुआ है, कहता हर बंदा मैंने जुगता कहता मोटे इधर आ, वो मोटे कितने चले हैं, वो मोटे सोफे ते बिना तो चीकां कटा देना है, वो मोटे खराटे ना लिया कर साडा बच्चा तेरे मुंह चला जाएगा। यावराज उन्ना कह जिन्ना मैं कह रहा। पाकिस्तान ऐसा जदीद जिम बनावांगा कि दुनिया दे लोग देखण आया करनगे, और ऐसे ट्रेनर रखांगा आसानी नाल सारे नूं ट्रेनिंग करा के ते स्लिम ते स्मार्ट कर जबरदस्त। कहंदा जी ऐसे मजबूत और पावरफुल मैं आलात लैके आवांगा कि सारे लोग आसानी से ट्रेनिंग करेंगे और बेहतरीन सोने लगेंगे जिधर भी जाएंगे। अरे फकीर तू फी बिना असालत अलआब जदीदन, कहंदा जी हर चीज जदीद और मजबूत होएगी, ए जिन्ने आम जिमां दे विच चीजां लगियां ने इन्हां ते अच्छी आउणगियां। अई वसयकून हुनाका मुदर्रिबीन अला फुकदान अलवज़न, हां जी कहंदा भी वजनी वजनी चीजां होणगियां और वजन बर्दाश्त भी करन, भावें ते मोटे करन, पतले करन, लम्मे करन, निक्के करन, छोटे करन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओदे मुंह तो लगदा उहने इह नहीं किया। अच्छा पता मैनू भी उहने इह नहीं किया। पहले पहले हाई सो यदखुलू फी वजन बिन जर्रा थुम्मा यखरुज
ब्रैड पिट कहने ऐसी मशीन में ले आ रहे हैं जिधर भी जुके मेरे वर्ग का बंदा ही करके बढ़ेगा ते परले पासो ब्रैड पिट निकलेगा ब्रैड पिट ही निकलेगा और सारा फिर रो वाली मशीन लोन लगा जे वो और कौन वैन डीजल नहीं वैन डीजल आई भाई वैन डीजल है वो वैन डीजल वर्ग का बंदा निकलेगा समझ आ गई हमें ये आई वाज सेइंग दैट थॉम क्रूज थॉम बाहर गड्डी खलोती है जिधर बॉडी गार्ड वगैरह खलोते ने कौन आया ये हमारे पास आए हुए वी हैव गॉट अ मिनिस्टर गवर्नमेंट मिनिस्टर इब्राहिम मुराद आपने यस ते कर देन पता है माशाल्लाह को पंजाब में खुशामदीद कहते हैं माशाल्लाह और हम चाहते हैं इधर आके इन्वेस्टमेंट करें इन्वेस्टमेंट ही सेइंग एंड दे हैव जस्ट फाउंड अ लॉट ऑफ गोल्ड माइंस इन पंजाब या ब्रांच चलिए ये कर्ज ही मांग रहे मैं कह सर इन्हे मेंबर बना लेने के इन्वेस्टर नहीं चाहिदा कहंदे ने मेंबर भी कोई नहीं जा जो करने कर ला मैं कह सर वो भी नहीं हैगा इन्वेस्टर भी नहीं चाहिदा फिर किवें बनेगी पार्टी कहंदे ने पुत्र अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ओ फोन आया जरा कभी भी नहीं आया है? मैं कहना टली तो टली टली तो टली टली तो टली मैं कह चुका ना चुका चुका ना चुका फिर मैं सोचा तू तो निर्गोली है चुक और तू किसी को डरना है फोन चुके हैं तो तरह निकल गया मिफ्ता इस्माइल साहब ओ कभी उन्होंने फोन ही नहीं किया अचानक उन्होंने फोन आया मैंने कहता ना निर्गोली कौन सी हवाओं में हो कौन सी फिजाओं में हो मैं कह सर कराची में हूँ और अपने हम नवाओं में हूँ ऐसा जवाब देता है मैंने कहता ना यार सानू टाइम नहीं दिंदा कम टू मी एज सून एज पॉसिबल ओके कड्या डाला ऊलाला ऊलाला ओ मैं नेड़े ही था ओके पहुंच गया मारिया सलाम मैं कहता सर आर्डर लाओ कहंदे ने यार नवी पार्टी करनी है मैं कहा सर 12 बजे तो पहले खत्म करनी है और डेक की आवाज हमसायन उन्हें जावे शिकायत कर देंगे 15 तो काल हो जाएगी ओके और वेले पार्क करनी है आप ना कोई पार्किंग से गड्डी लावे क्योंकि गलत मलत लांदे ने शिकायत हो जाती है और वन डिश होनी चाहिए ज्यादा डिशा नहीं पकानी है कार्ड के उत्ते मेंशन करनी है और वाटर मैं कहा टोटली मिनरल होवे मैंने कहते ने की कह रहे हैं मैं कहा सर तुझे क्या नहीं पार्टी करनी है ओ कहंदे नवी पार्टी बनानी है ओ अपनी पार्टी बनानी है ठीक है मैं कहा मेरे कोई नहीं इन्वेस्टर सर कौन खत्म हो गए इन्वेस्टर अच्छा मैं कहा सारे इन्वेस्टर ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली हुण मैं तुहानू कित्थों लिया के देवां हां कहंदे ने इन्वेस्टर ते चाहिदा ही नहीं मैं कहा सर इन्हे मेंबर बना लेने के इन्वेस्टर नहीं चाहिदा कहंदे ने मेंबर भी कोई नहीं जा जो करने कर ला मैं कहा सर वो भी नहीं हैगा इन्वेस्टर भी नहीं चाहिदा फिर किवें बनेगी पार्टी कहंदे ने पुत्र अभी तो पार्टी शुरू हुई है अगे अगे तेनू दसांगे कहंदे ने सारे लोग साडे नाल ने मैं कह यार बड़ी गल है फिर मैं कह मेरे लो तो फिर दुआ ही है कहंदे ने बस किसे नाल जाके मशवरा कर मैं फिर सीधा तुहाडे कोल आया मैं कह तुसी एडे समझदार भी नहीं बिल्कुल लेकिन पुछ लेना चाहिए ना सर किस तरह मुमकिन है सर एक नवी पार्टी मगर मैं अभी बिल्कुल बिजी हूं मैं बीच में हूं ओ माशाल्लाह ये कौन है और से देखो सर ए ओ ने जिन्होंने आइंदा पाकिस्तान दी बाग दौड़ संभालनी अच्छा जी सर जी ये ओ मिनिस्टर हैगे ने जेडे इस टाइम और 24 घंटे काम कर रहे ने बाकी ते इलेक्शन दी तैयारियां च ने ए माशाल्लाह इब्राहिम हसन भाई ने यस ए समझ लो साडे भतीजे भी ने अच्छा जे सर सारी एजुकेशन मैं दित्ती आपने दी है हां मैं दसे भी ए पढ़ना है अच्छा ओ पढ़ के ते फिर माशाल्लाह हुन केयर टेकर हैगे ने यस जदों तक इलेक्शन नहीं हुंदे
यही प्राइम मिनिस्टर ने, यही सीएम ने, यही पीएम ने। नहीं नहीं वो फिलहाल सिर्फ मिनिस्टर हैं। हाँ ते आने वाले वक्त में हो जाएंगे क्योंकि एक्सपीरियंस ही इतना हो जाएगा। माशाल्लाह अगली बारी एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है अब बाजी और एमपीए का लड़ेंगे। बाजी और ये देखो घर के पीछे दो मिनिस्टर होंगे। ओ भाई वो अलग आई हुई हैं। वही मैं सोच रहे हैं भी अलग किस तरह अलग अलग होगी। मैं जिस मिले इकट्ठे ही और नहीं यार वो अलग कराची से आई हुई है। मैं सोच रहा हूँ की बाजी और मैं किधर वेखे है। वैसे भाई ये तो ना पता करो ये थाने होंगे कि पागलखाने होंगे। उत्तर बिरा थोड़ा तीन साल पागलखाने भी रहा है और खाली नहीं रहा इंचार्ज रहा। सर मेरे तो वड्डा उत्थे आई कोई नहीं सी। सॉरी मेरे तो सीनियर तो फिर मैं ही उसमें इंचार्ज रहा। बड़ा जहीन है शहजादा है। मोहल्ले च बरात जा रही तो मैनू कह रहे अगर मैं वर्दी ना पाई होंगी बड़े पैसे लुटने। ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਂ 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 ਮੈਡਮ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਐਲੀਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। ਯੈਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਖਤ ਮੈਂ ਫਾਹਦ ਮੁਸਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਗ ਦੌੜ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਈਜਾਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਹਮ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਐਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ और दफ्तर में चाय और कॉफ़ी भी अपने खर्चे से ला। अच्छा तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती? नहीं मैंने तो ना तनख्वाह ली ना गाड़ी ना घर ना कोई और मरात। आपके पास जो जमहूरी हक है आपका वो जनरल नॉलेज है आप जाना चाहेंगे उसके ऊपर? चले उसमें जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए हैं वो। तो तनख्वाह नहीं मिलती इतने तो 5,000। वेलकम बैक जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमिर तारड़ है। मेरा सवाल इब्राहिम साहब से है कि आपने मौला जट मूवी देखी है? अगर देखी है तो उसमें आप कौन सा रोल करना चाहेंगे, मौला जट का या नूरीनाथ का? अच्छा सवाल है। ऑब्वियसली यार किसी को यही होता है कि पॉजिटिव रोल प्ले करें तो जो मौला जट का रोल था मेरे ख्याल से प्ले मौला जट ही आप बनना चाहेंगे। जी 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 अगर बहुत ही जो है जबरदस्ती हो रही हो। ठीक है जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुना जावेद है। मेरा सवाल इब्राहिम साहब से है। वैसे तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते लेकिन आने वाली हुकूमत किसकी होगी? उन्हें दुआ कर दे साड़ी ना जावे। ये तो जो आवाम मुंतखब करेगी वही आएगी। देखिए जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम कायनत असलम है। मेरा क्वेश्चन मिस से है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, क्या एक्टर्स को भी फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक पे आना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको सोशल मीडिया की अभी ज़रूरत पड़ गई है। सोशल मीडिया से आप अर्निंग कर रहे हैं लेकिन मैं भागती हूँ। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं सोशल मीडिया से भागती हूँ, मैं यूट्यूब से भागती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया है यूट्यूब पर आओ, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि इंस्टाग्राम पर काम करो और पिक्चर्स डाला करो, रील्स डाला करो। तो मैं हर वक्त तो कैमरा नहीं लेके चल सकती। ऐसे करके एक सेकंड का बनाया और छोड़ दिया, फिर बनाया क्योंकि मुझे फोर्स बहुत किया हुआ है। सो एक रील बना के अपलोड कर देती हूँ। लेकिन ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। मेरा नाम अजमल खान है। मेरा इब्राहिम साहब से सवाल है कि आप केयर टेकर मिनिस्टर हैं, इसके क्या कोई फ़ायदे भी हैं या चाय रस पे ही काम चलता है? यो अल्टरनेट खींचे उन्होंने, मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाय रस पे काम चल। लेकिन मज़े की बात ये है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं और मैं खुद भी, हम कोई हुकूमत से ऐसी बेनिफिट नहीं लेते।
और दफ्तर में चाय और कॉफ़ी भी अपने खर्चे से लाते हैं। अच्छा, तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलती? नहीं, मैंने तो ना तनख्वाह ली, ना गाड़ी, ना घर, ना कोई और मुराद। तो फिर अपनी जगह मेनू भेज दिया करो। टेंशन में मुक्के था सर। वो नहीं लेते भाई, नहीं लेते, उनकी मर्जी। सेगमेंट है हमारा अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा एमसीक्यू की सूरत में, आप उसका चाहें तो जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, ठीक है। मगर अगर वहां पे आपने सही जवाब दिया तो यू विल गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स यू गाइस वांट टू गो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो किससे स्टार्ट करूं पहले? लेडीज फर्स्ट। तो एली से स्टार्ट करते हैं हम। एली, ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी, कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे उसमें? मैं खुद नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा। वो आपकी जिंदगी पे बन रही है ना? ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं ज़ारा नूर अब्बास और सज्जल अली। सज्जल अली, सज्जल अली करें वो कैरेक्टर, ठीक है। ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें तीन लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शन आपके पास जो है वो है कुबरा खान, इकरा अजीज और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा कमर। स्माइल किनको दे रही हैं? इकरा अजीज। और फ्लोर किसका आ गया? सॉरी कुबरा। ठीक है, ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं याले सरदी और नूर जफर खान। याले को छोड़ दूंगी, याले इज वेरी इंटेलिजेंट, वो आ जाएंगी वापस। ठीक है, याले को छोड़ दिया आपने वहां पे। ये बताइए मैडम, तीन लोगों के ड्रामे चल रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, किसका ड्रामा आप बार बार देखेंगी, किसका ड्रामा आप एक बार देखेंगी और किसका ड्रामे पे आप फिलहाल अपने कमरे से चली जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो बार बार किसको देखेंगी? फवाद खान को रिपीट रिपीट करके देखूंगी, हुमायूं सईद को मैं एक बार देखूंगी एंड द लास्ट वन का मैं छोड़ के चली जाऊंगी, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, ठीक है। कर ली इन्होंने त्रिफंग करके। नो हार्म फॉर एनीबॉडी, इट्स जस्ट अ गेम। हां, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है शेख रशीद साहब और मौलाना फजल रहमान। टाइटैनिक पे भेज रहे हैं किन के साथ? दूसरा ऑप्शन दे, टाइटैनिक पे ही नहीं जाऊंगी मैं तो। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? हाँ। ये बताइए मैडम मुझे कि आपने सुना होगा नैब, हर वक्त न्यूज में कहीं ना कहीं सुनते हैं नैब नैब नैब। ये नैब जो है व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? अमिताभ बच्चन होता तो मैं जरूर आपको ऑप्शंस देता, मगर नहीं, मैं ऑप्शन नहीं देता। आप अगले जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी या वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाना चाहेंगी? जनरल नॉलेज पे ही रहूं? तीन चांस है। नहीं, इसका मुझे एक्चुअली एब्रिविएशन फुल फॉर्म पता नहीं, नहीं पता ना, तो बस अगले पे चलें। अगले पे ही चल लेते हैं। अगले पे चलते हैं हम, ठीक है। ट्रैवलिंग करती रहती हैं आप, फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी बताइए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जबरदस्त। ये बताइए मैडम, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा शहर है? जी एडिलेड। नहीं मैडम, एडिलेड नहीं है। अच्छा, मैं बता रही हूँ, रुक जाए, तस्मेनिया। नहीं नहीं, एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, ना तस्मेनिया ना एडिलेड है। जवाब गलत हुआ। अगले सवाल, एडिलेड है। आपको को गलत ले गया एडिलेड। तस्मेनिया भी नहीं है? तस्मेनिया भी नहीं है? नहीं है, दूसरा शहर दूर होगा, उन्होंने कहा कि यही कैपिटल। आपके भाई ने पेट्रोल बचाया और उसने कहा यही कैपिटल है। हाँ, यही 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 है, पहले यही पे है कैपिटल। मैं आपको बता रही हूँ, गूगल किया मैंने। नहीं, आपने गूगल नहीं किया। गूगल किया नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो कैनबरा है। कैनबरा है, सही कह रहा हूँ। मैं तो सही कह रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप तीसरे जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी या ठीक है तीसरे पे चले? अच्छा जी, अब मैं और आपसे क्या पूछूं, मुझे बताइए, आप अपनी मर्जी का जनरल नॉलेज किस जॉनरा में जाना चाहेंगी आप? अब ऑस्ट्रेलिया में हारगी तो बाकी में तो हार ही जाऊंगी। शोबिज कर लें। पाकिस्तान की 7 फीमेल फिल्म डायरेक्टर्स के नाम बताएं। टाइटैनिक पे आ जाते हैं हम। टाइटैनिक पे चलते हैं मेरे ख्याल से। आप भी इजी हो, साड़ी भी जान छोड़ी। तो बताइए कौन है? शेख रशीद साहब, मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। वो इतनी सी बात थी, आपने उस चक्कर में मेरे 3 सवाल जाया करा दिए। आखिरी, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इब्राहिम मुराद। कैसर सर को दूंगी मैं। उन्होंने पता ना कैसर नहीं थे रहना, मिनिस्ट्री 2 महीने बाद चले जाने। जी तो इब्राहिम साहब आपकी बारी है,
वंस अगेन अ रिमाइंडर, आप जब चाहें जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये बताइए सर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कौन सा एक्टर आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान और अली जफर। फवाद खान चाहेंगे। ये बताइए सर, तीन लोगों की स्पीचेस चल रही हैं टेलीविजन पे, किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे, किसकी स्पीच एक बार सुनेंगे और किसकी स्पीच के ऊपर आप फिलहाल कमरे से चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी, जनाब मियां शहबाज शरीफ और जनाब मौलाना फजल रहमान। तो किसकी स्पीच बार बार सुनेंगे हम? तो देखिए केयर टेकर सेटअप है, हमें सबकी स्पीच सुननी पड़ेगी। नहीं मगर बार बार जो है वो मैंने सुनी कहा ना, एक बार 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 फर्क है उसमें कैटेगरीज में। तो न्यूट्रल है, सबकी स्पीच हम सुनेंगे। वो नहीं आपको आपको जवाब देखें या तो टीवी बंद कर देंगे। टीवी आपने आखिर में जाना है, बंद ही कर रहा। आपके पास जो जमहूरी हक है आपका वो जनरल नॉलेज है, आप जाना चाहेंगे उसके ऊपर? चले उसमें जनरल नॉलेज के ऊपर चले गए हैं वो। ओए होए 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 होए, उठो तनख्वाह नहीं मिलती, इतो तो 5000 ले। पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस किस साल में हुए? 1957? नो, वन मोर ट्राई। 61? नो सर, गलत हो गया। आपकी पसंद का एक ये तो अब आप देख ले सारे, टोटल मैंने फुल टॉस दे दिया आपको, आप घुमा के इसको जहां मर्जी मार सकते हैं। ठीक सर, ये बता दे चौधरी परवेज राय ने पंजाब असेंबली किस तारीख को डिसॉल्व की? मेरे ख्याल से 14 जनवरी। 14 जनवरी को हुई नहीं थी, मगर तानु फोन 14 नु ही आया सी। इट वाज नॉट द 14th ऑफ जनवरी। 14 नु फोन आया, तानु मिनिस्टर वाले कपड़े काट लो। आगे चलो, एक और सवाल। इब्राहिम नहीं जा रहे उस सवाल की तरफ आज। ओए होए होए, आरिफ अलवी पाकिस्तान के कितने में सदर हैं? अच्छा सवाल है। 21वें? नहीं वो 21 अक्टूबर और चीज। अच्छा 21 बसी हुई है आजकल सबके जहनों पे, 21 कर कर के ना उन्होंने, मगर इज नॉट द 21st। अच्छा व्हाई यू वांट टू ट्राई एनी मोर गेसेस? 18वें? नहीं सर, गलत हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं अपने ओरिजिनल सवालों के ऊपर, जनरल नॉलेज में नहीं हुई कामयाबी हासिल। सर ये बता दीजिए कि टाइटैनिक पे जा रहे हैं? ठीक है आज चलते हैं। चले फिर, दो वीआईपी पास हैं। सही, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज और एलिजैद। इनका तो जवाब दे सकते हैं, ये किसी पार्टी से नहीं है दोनों। अच्छा इसमें खुद भी जाने साथ? सही बात है, जाने जहां वो वीआईपी पास आपके पास है। मेरे जो पास है मैं इन दोनों। नहीं नहीं आप नहीं दे सकते, वजारत की मसरूफियात इतनी है कि मुझे सीएम साहब फिक्र ना करें। मैंने ये सवाल जो है ये तकरीबन अगले साल तब का है जब आप नहीं होंगे मिनिस्टर, तो आपका टाइम होगा, तो इसलिए इनमें से अब दोबारा जनरल नॉलेज पे इस पे ना चले जाइएगा, मेरा आपको सजेशन है ये। तो इसमें मेरे ख्याल से इन दोनों को टिकट देंगे। अरे इन दोनों को टिकट नहीं, एंजॉय करें लड़के आपस में, आपको पता है। नहीं नहीं लड़कियां नहीं, आप अपना टिकट नहीं दे सकते, यू हैव टू जस्ट गिव द वीआईपी पास टू समवन एल्स। इन दोनों में से कौन? आपको भी दे सकते हैं। टाइटन खराब होगा तो फिर ला जाना, मैं ठीक कर लेना। देख लें, मैंने आपको दो बंदे दिए, फिर मैं तीसरा डाल दूंगा तो आप मजीद फंस जाएंगे। टाइटैनिक का देखें पास वैसे ही नहीं देना चाहिए क्योंकि टाइटैनिक तो डूब गई थी। नहीं मगर वो आप भूल रहे हैं कि खवातीन बच भी गई। मसला नहीं, आप टिकट तो दें। ओए होए ये देखें इब्राहिम साहब, वो दोनों अब आपके ऊपर है, जनरल नॉलेज या फिर इन दोनों में से किसी एक का नाम ले लें। तो ऐसा भी हो सकता है कि टिकट हम हवा में उड़ाएं और जो कैच कर ले। बात सुने, ये मतलब एक टिकट है, आप क्या कर रहे हैं? कैसी बयान नहीं देना भाई, दोनों जो किसी ने नहीं जाना वैसे जवाब देना है। कैसी बयान नहीं देना, ऐसा भी हो सकता है टिकट दे दे टिकट चले। ऐसा ऐसा हो सकता है, ये क्या कर रहे हैं इब्राहिम, आप मिनिस्टर हैं, जम के जवाब दे। जनरल नॉलेज में आ जाए फिर। ओए होए, जनरल नॉलेज में फिर से एक बार मिनिस्टर साहब आ चुके हुए हैं। सर वो आवाम का दिल तोड़ सकते, लड़कियां का नहीं। आप जनरल नॉलेज के ऊपर आ गए हैं, पाकिस्तान के पहले गवर्नर स्टेट बैंक का नाम बताइए। जाहिद हुसैन। ओए होए, मिनिस्टर साहब ने पहला नाम पहले गैस में सही बताया है, ये एक हो गया। वापस चलते हैं ओरिजिनल सवालों की तरफ। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, तीन लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास मायरा खान, महवेश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी खिंचवा लेंगे मायरा खान के। मायरा खान हो गई, स्माइल किनको दे रहे हैं? सबा कमर को। ठीक है, और फ्लोर आ गया महवेश हयात। महवेश, ठीक है जी। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी जिसको आप नहीं उतार सकते, दूसरी लाइफ जैकेट जो है वो आप इनमें से किनको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आमिर मीर साहब और बिलाल अफजल।
मेरे ख्याल से दोनों कहेंगे एक बाजू डाल लें ताकि दोनों बच्चे अच्छा ये बाजू डाले उन्होंने ईद के कपड़े नहीं चेक करने आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगे दोबारा आपका अभी तक एक बार नहीं चला और एक बार आपने पहली गो में आमिर मीर साहब को दे देंगे क्योंकि उनको हो सकता है स्विमिंग में कोई मुश्किल आमिर मीर साहब को दे दी है बिलाल अफजल साहब आप लाइफ जैकेट से महरूम रहे हैं और आमिर मीर साहब ले गए हैं जबरदस्त ये मिस्टर साहब आपका हुकूमत पंजाब आपको कुछ देना दे हमने आपको दिया है और आपकी मेहनत का नतीजा है ये मगर थैंक यू सो मच इब्राहिम बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर और आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू आपको पता है कि मियां साहब आ रहे हैं वो तो काफी टाइम से आ रहे हैं पहुंचे ही नहीं है अभी तक मैं क्या सर ये तुहानू एज लीडर लेना चाहते ने मैं तुहानू एज हीरो लेना चाहना कभी आपने किसी को कहा कि रातों को मुझे नींद नहीं आती इसे प्यार तो नहीं कहते अलीन है अगर तुहानू गिफ्ट कर दी तुहानू तो फायदा होएगा उन्होंने तो कोई फायदा नहीं मेरा भी घट ही है 64 मेरा उन्होंने 64 है मैं तो फिर भी अकेला था माय क्वेश्चन इज के कोई कैसे मतलब 75 इयर्स तक कोई कैसे किसी को बेवकूफ बना सकता है और हम बन कैसे सकते हैं ऐसे